गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मैं व्लॉग होता है हमारा 1:30 बजे से लाइट शुरू। दो हमदान कर रहा है परेशान। हाँ क्या हुआ? इधर आ जाओ। ये दोनों देखो कैसे खड़े हैं मेरे पीछे। धूप हो रही है बहुत तेज की। तो आज हम जाएंगे सरोजिनी नगर मार्केट और देखते हैं वहाँ से क्या लाते हैं। कल भी मैं मार्केट गई थी तो कल का वीडियो मैं पूरा नहीं बना पाई थी, तो कल जो लेके आई थी वो भी आज दिखाऊंगी मैं आप लोगों को रिफा के लिए। और बाकी आज देखते हैं क्या लेके आते हैं। ब्लैक कलर का लहंगा। ये बैठी है रिफा। आज ये स्कूल नहीं है, तुमने छुट्टी मार दी आज की, तो अरमान गया है। तो गाइस दिखाती हूँ क्या क्या लेके आते हैं आज। वैसे हम पहली बार जाएंगे सरोजिनी नगर मार्केट, क्योंकि मैंने देखी भी नहीं है और मैं गई भी नहीं हूँ कुछ खरीदने वहाँ पर। मैं देखूंगी पहले कैसा मिलता है वहाँ पे सामान। तो बहुत नाम सुना है तो इस वजह से मैं देख के आऊँगी वहाँ की मार्केट भी कि कैसी है। तो जब हम जाएंगे तो दिखाऊंगी आपको। तो अभी हम चेंज करते हैं कपड़े वगैरह अपने, क्योंकि मैं चाय बनी है वो रखी सबकी चाय और हमारी मियाओं को खिलानी। और ये देखो इनकी बिल्लों की जगह भूत नहीं लग रही। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, निकल चुकी है मेरी बहन छोटी। ये बेटा फोन है, निकल चुकी है सरोजिनी नगर। अरे मेरी नानी की ना आपको बाहर दिखाती हूँ। एकदम तो कल का ब्लॉग मेरा अधूरा रह गया था। कल बहुत टाइम हो गया था, जाम बहुत लग रहा था क्योंकि कल थी जुमरात और जुमरात का बाज़ार लगता है तो बहुत भीड़ होती है। तो कल का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाई। कल क्या तारीख थी? 14 तारीख, 14 दिसंबर। तो आज मैं डालूँगी कल का मिला के और आज का। तो गाइज़ मैं जा रही हूँ सीतापुर, क्योंकि जो मैं नेट लेके आई थी और तो उसका अस्तर नहीं लेके आई मैं, तो उसका अस्तर भी लेके आना है मुझे। बाकी जो मैं कल कहाँ से सरोजिनी नगर से हाँ लेकर के जो मैं सामान आई थी वो आपको मैं आकर के दिखाऊंगी। और थोड़ा सा ही था, कुछ अच्छा मुझे नहीं लगा था, तो कुछ नहीं लाई। हाँ वो सब दिखाऊंगी आज मैं।
तो गाइज मैं सब कुछ सब सारा सामान आज दिखाऊंगी, आज मतलब जो थोड़ा बहुत रह गया आज लेके आ जाऊँ। बाकी अभी तो चली रही शॉपिंग, और मुझे बनवाना है दुपट्टा, अपनी नंद का दुपट्टा बनवाना है, जो मैं खाला के लिए भी बनवा के ले गई थी। उनके हस्बैंड का नाम भी दानिश था और इनके हस्बैंड का नाम भी वही है दानिश। तो मैं दुपट्टे का भी ऑर्डर देके आना है मुझे, क्योंकि एक हफ़्ता लग जाता है दुपट्टा बनने में। तो दुपट्टा भी बनेगा और जो है कि और काम भी है। तो जो जो सामान मेरा रह गया आज और लेके आती हूँ। 22 तारीख तक दुपट्टा आ जाएगा। हाँ तो गाइस देखती हूँ आज का क्या लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मौका मिला तो मैं सिलमपुर में ब्लॉग बनाऊँगी, वरना तो आकर ही आप सब लोगों को डायरेक्ट दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो कट्टो मैं और हमदान ही जा रहे हैं, ये लोग जाएंगे अपने कोचिंग कंप्यूटर क्लास। बाकी मैं आपको आके दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आती हूँ। तो गाइस निकलते हैं, मैं हो चुकी हूँ तैयार, कट्टो हो रही है तैयार, आसमान दान के तैयार, वो रो रहा है बहुत तेज तेज। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखो हमदान ये क्या रुपए मीटर? इसमें तो आपको कलर लाइट आ रहा है, वैसे ही कलर डाल रहे थे, उसमें लाइट दिख रहा है ना, वैसे ही अलग नहीं, फिर भी किचन का फायदा नहीं, तुमको भी देखना इसमें अलग लगे। गाइस तो मैं आ चुकी हूँ सिलमपुर से, और क्या नाम है, तुम ना मत बोला करो जब मैं बात करती हुआ करूँ। तो मैं अपना सामान ले आई हूँ, जो कल लेके आई थी वो भी दिखा रही हूँ, और जो अभी लेके आई हूँ वो भी दिखा रही हूँ, और मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ ली वो भी दिखाऊंगी। क्या तो गाइस जो मैं सामान लेके आई थी क्या कहते हैं सरोजनी नगर से, वो दिखाती हूँ पहले आपको, और जो सिलमपुर से लेके आई थी वो दिखाऊंगी बाद में। तो अच्छी तो अच्छी, पर मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी सरोजनी नगर की, क्योंकि ज़्यादातर मैं सामान जो है सिलमपुर की ही मार्केट से खरीदती हूँ। तो सबसे पहले ये पर्स है, जो कि ये थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा था, मिलता तो ये सिलमपुर में भी मिल जाता है, पर एक ये पर्स लेके आई थी मैं अपने लिए, कि हमदान का फीडर है, एक जोड़ी कपड़े हैं ये आराम से इसमें आ जाएंगे, और इसमें ये एक चैन ये है, एक चैन ये आगे है, और एक चैन है, तो तीन चैने हैं, और अंदर भी एक चैन है छोटी सी, ये पॉकेट तो अंदर भी है। तो एक ही मैं पर्स लेके आई थी सरोजनी नगर से, ये एक पर्स था, और एक पर्स और लेके आई हूँ, तो ये मैं दो पर्स लेके आई हूँ। एक पर्स है ये, एक पर्स है ये, एक पर्स ये था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी काफ़ी बड़ा है अंदर से, और एक ही जेब है इसमें, ये भी अच्छा है। तो ये लाई हूँ मैं अपनी नंद के लिए, चाहे वो ये ले ले या ये ले ले, जो उनसे उसे पसंद आएगा वो वही ले लेगी, और देखेंगे फिर कौन सा उसको पसंद आएगा वही ले लेंगे। तो ये दोनों साइड से एक सा है, और तो गाइस मैंने पर्स दिखा दिए हैं, और एक ये लाई थी मैं गरम टी शर्ट, मतलब फुल आस्तीन की है, एक ये लेके आई थी मैं अरमान के लिए। तो जो पर्स दिखाए हैं वो है 350 रुपये के, और ये 200 रुपये के, ये कुछ ऐसी है गरम में है, ये लाई हूँ मैं अरमान के लिए डेली बेस के लिए। तो एक ये हो गई, और थोड़ा दूर करूँ तो पूरा दिखे,
और एक टी शर्ट लाई हूँ, ये डबल लगती है, कुछ ऐसे ही ग्रे सा कलर है इसका, एक ये अच्छी लगी थी मुझे तो ये भी लाई हूँ। ये शायद से 350 रुपये की है। और एक लाई थी ये वाइट कलर की, जिस बिल्कुल सिंपल है, प्लेन एकदम, और ये भी गर्म में है, ये अपना पहन लेगा, कहीं आने जाने में भी पहन सकता है, वैसे डेली वेज में पहन लेगा, तो ये अच्छी लगी मुझे। और क्या है, और एक लाई थी मैं ये बैग, जो कि ये बताया था 1200 का, तो ये 1200 का, और इसमें पहिए भी हैं ये, और एक जेब है इसकी ये वाली, और एक है ये, तो ये बताया था 1200 रुपये का, तो 1200 का मैंने नहीं लिया, मैंने कहा मुझे लेना ही नहीं है, मैंने कहा भैया मुझे लेना ही नहीं है, वो भैया बेचारे पीछे अपना आते गाते हैं, बोले ले लो 900 दे देना, 800 दे देना, इतने दे देना, मैंने कहा भैया मुझे लेना ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहने लगा अच्छा जो दिल करे तुम्हारा, मैंने 500 रुपये दिए, उन्हें 500 रुपये में दे दिया, तो ये 1200 का बैग मुझे 500 रुपये में पड़ा, बस मैं यही लाई थी सरोजनी नगर से, सरोजनी नगर है ना अमन, हाँ तो वहाँ से मैं यही चीज़ें लाई थी बस, जो कि मैं कल आपको ब्लॉग में दिखा नहीं पाई, और जो मैं सिलमपुर से नहीं खाई वो भी दिखाती हूँ, आज जो गई थी मैं, ये रख दो इसमें, तो ये लाई हूँ खानदान के डेली वेयर के कपड़े, जैकेट ये भी रख दो, हाँ ये पूरे पूरे सूट लेके आई हूँ, ये ज़्यादा जो मोटे कपड़े होते हैं वो नहीं पहन पाता है, तो शादी के वजह से या घर में भी कैसे भी पहना लो, मतलब मैं शादी में जाऊँगी तो मैंने कहा कि घर में पहन के रखेगा तो अच्छा रहेगा, तो ये लेके आई थी, एक कलर ये है इसका, और ये है पजामा, एक सूट ये लाई हूँ, छोटे छोटे बच्चों के तो काफ़ी सारे कपड़े चाहिए होते हैं, तो मैं इस वजह से उसके 4 सूट लेके आई हूँ, ये वाले अच्छे सॉफ्ट भी हैं, मुलायम भी हैं, और कुछ चुभेंगे भी नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, अपना गर्म बनियान पहनाओ, ये पहनाओ छुट्टी, एक कलर ये है, ये वाला नहीं आता है, ये दोनों इसी में ही रखे थे, और एक है ये, एक है ये प्लास्टिक का, ये भी गर्म, तो मैं ये 4 सूट गर्म लेके आई हूँ, उसके लिए पजामे, तो खैर मैं जब भी जाती हूँ बाज़ार तो मैं हमदान के लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके ही आती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लो अरमान ये रखो, और एक ये लेके आई हूँ अपने दुपट्टे की लेस, जो कि मैं सूट दिखाऊंगी आपको जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, जब दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी सूट जब, तो ये मैं उस दुपट्टे की लेस लेके आई हूँ, क्योंकि वो अभी मेरा सूट आया भी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने फिटिंग वगैरह के लिए दे रखा है, तो जब ये पूरा तैयार हो जाएगा जब मैं पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी ये, तो ये एक ये मैं लेस का पूरा लेके आई थी मैं, और अभी हमदान के कपड़े ख़त्म नहीं हुए, और भी लेके आई थी, तो एक है ये इतना प्यारा सा कलर है मैरून कलर, ये भी पूरा है, और ये है गर्म है, ये भी एकदम सॉफ्ट है, कपड़ा बहुत अच्छा है, तो ये भी मैं सिलमपुर से लेके आई हूँ, तो एक सूट ये है बिल्कुल सिंपल सा कुछ नहीं, और एक ये लेके आई हूँ मैं, ये भी बड़ा प्यारा सा कलर है, पूरा प्यार सूट है ये, हाथों हाथ रखते रहो क्योंकि फैलावा नहीं है, और है एक ये कलर, ये भी कितना अच्छा कलर है, तो ये भी पजामी है और इनर है इसका, और ये लेके आई हूँ मैं अपने नंद के बच्चों के कपड़े, तो उन्होंने कहा था कि भाभी वहीं से ले आना अच्छे अच्छे से टॉप, तो मैं ये पिंक कलर का टॉप लेके आई हूँ, एक ये पिंक कलर का टॉप लेके आई हूँ मैं, ये रिदार बार बार आ रहा है इसलिए मैं उधर देख रही हूँ, तो ये एक पिंक कलर का टॉप है, और एक है ये, तो दो हैं लड़कियाँ उनकी, उनकी दोनों लड़कियों के लिए लाई हुई, बहुत अच्छा सॉफ्ट एकदम, इतने प्यारे लग रहे हैं ये देखो,
तो ये लेके आई हूँ। इसमें चेन है आगे पूरा, आगे से खोल के पैंट नहीं लाई, पैंट में एक आध दिन में लेके आऊँगी क्योंकि देर बहुत हो गई थी, मुझे और सामान भी लिया था मैंने, बहुत टाइम हो गया था मुझे, तो ये लेके आई हूँ। तो ये है और एक लेके आई हूँ लड़के के लिए, बीच में मैसेज आया था, फिर उनके बेटे के लिए लिखा है, इतना प्यारा सा था, देखो गाइस कितना अच्छा है ना। ये भी पूरा पजामी से है, गर्म में बड़ा लग रहा है, नहीं सही है, सॉफ्ट है, कोई हाइट उसकी इतनी थोड़ी ना है, छोटा सा तो है वो, हाइट कटदान जैसी है, नहीं पाँव बहुत पतले उसके। एक ये मैं ये लेके आई थी और एक लेके आई हूँ मैं अपने के लिए ये शॉल, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो ये मैंने उनके लिए ली है, पूरी कड़ी हुई है, पूरे में ये कड़ा हुआ है और इसमें छोटे छोटे स्टोन से भी लगे हैं, तो ये पूरी कड़ी हुई है, अभी थोड़ी देर से लगी तो गाइस ये मैंने शॉल भी दिखा दी, इतनी प्यारी है, और एक ये लाइन हुआ है उनके लिए सूट जो कि आजकल चल रहा है मल्टी के कलर में, ये देख सकते हैं कुछ ऐसा कलर है, तो बड़ा ही प्यारा सूट है, पूरा कढ़ा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, और पीछे ये तो ये सिल के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जो मैं कपड़े लेके आती हूँ तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद भी आते हैं, तो वो ज़्यादा मुझसे कह देती हैं कि भाभी तुम ला देना, और जो मेरी छोटी देवरानी है वो भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाती हैं, तो वो उनसे भी मतलब मंगवा लेती हैं, जिसका मौका लगता है वो ले जाते हैं अपने लिए, क्योंकि नंद एक ही है हमारी और चार भाई हैं, तो सभी अपना जिसका जैसा मौका लगता है वो अपना ले लेके जाते हैं उनके लिए। और ये है इसका दुपट्टा, ये देखो कितना अच्छा वर्क हुआ है, कितना अच्छा है, ये कलर भी बहुत प्यारा है, इसकी कोई पॉलिथीन है, पॉलिथीन है इसकी। तो ये एक सूट ये लाई हूँ मैं उनके लिए, और एक सूट लाई हूँ मैं ये, तो ये भी पूरा कड़ा हुआ है, देखो पूरे में कढ़ाई हुई हुई है, और ये नग भी लगे हुए हैं इसमें जरकन के, ये देखो पूरा। तो ये मैं पहले ही भिजवा दूंगी ताकि वो सिलवा लें और शादी में अपना बदलने बदलने का काम आ जाएंगे। और ये इसका दुपट्टा है प्यारा सा, नाजुक सा, ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा दुपट्टे में कोई वर्क नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, बस जो भी है सूट भारी है बस इसका, बाकी ये पूरा इतना प्यारा सा सूट है, तो ये इतना प्यारा सा सूट है, तो ये इतना प्यारा सा सूट है, एक कलर है ये भी कलर बहुत अच्छा है, मेरे के ऊपर अच्छा लगेगा। तो इसका मैंने चूड़ी का भी सेट हाथ और बनवा लिया, मैंने कहा चूड़ी का भी मैं इसका सेट बनवा ली थी ये रखे, तो मैंने इसका चूड़ी का सेट भी बनवा लिया हाथ और, मैं शायद कल या परसों में उनका सूट भेज दूँगी क्योंकि वो सिलवा लेंगी अपना, जल्दी अपना सिल जाएगा। और हाँ ये रखे, और एक ये लाई हूँ मैं उनके लिए गले का सेट, टीका बुंदा कैरी, तो ये तो बिना मैचिंग के लिए आई, मैंने कहा ये तो मल्टी का कलर है किसी पे भी चल जाएगा, तो ये है बुंदा, कितना प्यारा सेट है, और ये है इसके बुंदे, ये है टीका, हाँ ये है टीका इसका, ये देखो, और एक ये है पता नहीं क्या होता, कितना अच्छा सेट है। आप लोग बताना आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगती है, अच्छी लगती है या नहीं, या मेरी पसंद